भारत के संविधान भाग दो अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता से संबंधित यह हमारा वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज। संविधान के आरंभ में अनुच्छेद 5 भारत की नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 11 ने कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए भारत के संसद को शक्ति दी है। अनुच्छेद 5 जन्म से भारत का नागरिक हो यह कहता है, यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो वह भारत का नागरिक होगा, यदि उसके माता पिता भारत में जन्मे हों तो वो नागरिक होगा, उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो तो वो भारत का नागरिक होगा, यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने के पूर्व लगातार 5 वर्षों तक भारत में रहा हो तो वह भारत का नागरिक होगा। इन सभी कंडीशनों के आधार पर ही भारत के वो नागरिक हो सकते हैं जो अनुच्छेद 5 में वर्णित है। इसके बारे में डिटेल्स दिया गया है। अब बात आती है कि इसके अलावा अनुच्छेद 6 में जो वर्णित किया गया है वह क्या है। तो अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से माइग्रेट करके आने वाले को नागरिकता दिया गया। वे जो 19 जुलाई 1948 तक या उसके पहले भारत आ गए हों भारत के नागरिक होंगे। वे लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए उन्हें भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा के बाद जो आएंगे वो आवेदन करेंगे। यह हमारे संविधान में वर्णित है, वह है अनुच्छेद 6 के साथ। अब यहाँ पर इसके जो जैसे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय की ये बात है, तो इसलिए ये प्रावधान दिया गया। अब आता है अनुच्छेद 7 आपका। तो अनुच्छेद 7 जो है वह भारत यानी इंडिया से पाकिस्तान को माइग्रेट करने वाला जो व्यक्ति है यानी कि यहाँ से वहाँ जो गया उसके लिए उसमें बताया गया कि 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान को चले गए वे भारत के नागरिक नहीं होंगे, मतलब किंतु अगर वो 19 जुलाई 1948 के पहले भारत वापस आ गए तो वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। ऐसा कंडीशन हुआ था कि मतलब कुछ लोग चले गए थे फिर वो वापस वहाँ से आ गए, तो वैसे कंडीशन में इसको यहाँ पर डाल दिया गया। हाँ, इसके साथ डाल दिया गया ताकि कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो जो भारत के रियल में नागरिक हैं उस समय के अनुसार से। अब आपका आता है अनुच्छेद 8 जिसमें भारत में जन्मा हुआ परंतु विदेश में रहता है वो, मतलब कि जो भारत में जन्मा परंतु विदेश में रहा, ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1935 का के अंतर्गत भारत के नागरिक थे, मतलब पहले थे वे भारत के नागरिक होंगे, मतलब उसके अनुसार से जो प्रोविज़न दिया गया जिसमें कि कहा गया कि वो भारत में जन्मा हो लेकिन क्या हो विदेश में रहता हो, वैसे व्यक्तियों के बारे में इसमें कहा गया है, वर्णित किया गया है। अब आपका जो इसके अलावा जो अनुच्छेद आपका जो आता है 9 यानी कि अनुच्छेद 9 जो आता है उसमें विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की जो नागरिकता है वह जो है समाप्त हो जाता है, यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो वह देश की जो नागरिकता है हमारे भारतीय नागरिकता स्वतः उसका समाप्त हो जाता है, इसका वर्णन है। यानी कि भारत में दोहरी टाइप की नागरिकता नहीं है कि भारत की नागरिकता भी रखे और विदेशी नागरिकता भी उसके पास में हो, ऐसा यहाँ पर प्रोविज़न नहीं है। दो देश की नागरिकता एक साथ नहीं हो सकता, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। अब यहाँ पर एक और बात क्लियर होती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर की नागरिकता होती है लेकिन हम लोगों को वहाँ पर वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। अब देखेंगे अनुच्छेद 10, इसमें नागरिकता के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग में पूर्वगामी प्रावधानों के तहत भारत के नागरिक हैं या किसी भी कानूनी प्रावधानों के अधीन होगा तो संसद द्वारा
तैयार किया जा सकता है, वे भारत के नागरिक होंगे। अर्थात मतलब यहाँ पर यह कह दिया गया कि जो भी इस तरह का प्रोविज़न होगा उसके अंतर्गत वह जो है भारत के नागरिक हो सकते हैं या नागरिकता के अधिकारों के अंतर्गत होगा पूर्वगामी प्रावधानों के अनुसार से और भारत के कानून के अनुसार से और संसद में तैयार किया जा सकता है वो उसके अनुसार से। अब देखिए अनुच्छेद जो है हमारा अनुच्छेद 11 जो है अबाता जो है उसमें नागरिकता से संबंधित जो कानून है वह संसद के द्वारा जो है बनाने का अधिकार है। तो उसे देख लेते हैं कि अनुच्छेद 11 जो है उसके द्वारा मतलब अनुच्छेद 11 के द्वारा संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए कानून, नागरिकता के विषय में विधि बनाने का अधिकार केवल संसद यानी कि हमारे पार्लियामेंट को है। तो यहाँ पर पूरा अधिकार दे दिया गया है संसद को कि इसके बारे में क्या कर सकते हैं, वो कानून बना सकता है, इसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं और इसके बारे में संशोधन हुआ भी है हाल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस वीडियोस के मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।